नमस्कार साथियों, कलाम आईएएस एकेडमी के खास कार्यक्रम फर्स्ट रिएक्शन में आपका स्वागत है। GS3 इकोनॉमी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर में कैसा रहा स्टूडेंट का फर्स्ट रिएक्शन, जानते हैं देश के भावी प्रशासनिक अधिकारियों से। GS3 का ओवरऑल पेपर कैसा गया? ओवरऑल पेपर दो क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ वो थे, मतलब आउट ऑफ वो नहीं थे, मतलब कोविड वैक्सीन का था, डेवलपमेंट वगैरह कैसे करे वो थोड़ा मेरे को तो आउट ऑफ लगा। और एक क्वेश्चन और था एनवायरनमेंट का, सेलुलोज वाला जिसमें डेवलप करना था, वो काफ़ी आउट ऑफ वो था, पर कुछ ना कुछ लिख के आना होता है, छोड़ना नहीं होता है, तो 20 क्वेश्चन बस कम्प्लीट कर लिए। इकोनॉमी में बजट के ऊपर भी कुछ आया? बजट पे कुछ नहीं आया, बट इकोनॉमी आसान थी, इकोनॉमी वाला पोर्शन सिंपल था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आया और इंडिया का जो ग्रोथ पाथ है उस पर आया था कि ये अभी अपना जो ग्रोथ पाथ है वो प्रोडक्टिविटी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा जा रहा है, तो वो वाला तो इकोनॉमी वाला पोर्शन सिंपल था। थोड़ा सा एक साइंस एंड टेक में थोड़ा सा दो क्वेश्चन और एक एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस टेक्नोलॉजी में तो साइंस एंड टेक में एक तो जेम्स वेब कुछ नया नया नहीं, एक तो करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाला जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी इस टाइम पे वो आया था, और एक COVID-19 की वैक्सीन से आया था डेवलपमेंट के लिए, और एक एनवायरनमेंट से वो सबसे आउट ऑफ क्वेश्चन था जो सेलुलोज का, उसमें कुछ पूछा था वो मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बट ठीक है। इकोनॉमी में बजट का इस बार क्या क्वेश्चन? नहीं, बजट से तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहा, और जो क्वेश्चन है इकोनॉमी का, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन ने हॉन्ट किया वो था प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उस क्योंकि उसमें डेटा चाहिए था, तो वो थोड़ा हार्ड रहा है। मतलब इस बार पेपर क्या हार्ड था? नहीं, पेपर तो वैसे ही था जैसे 2021 और 2020 में ही था, लेकिन बस ये है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा, मतलब उसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा चाहिए था और वो भी एग्जैक्ट, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज से भी क्वेश्चन था, मतलब इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज को लिंक करते हुए। सर्वे में से भी कुछ क्वेश्चन? नहीं, सर्वे से भी कोई क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन जनरली करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे और स्टैटिक पोर्शन से भी थे जैसे नक्सलिज्म वगैरह, इंटरनल सिक्योरिटी, वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों से ही आप आंसर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बुक पढ़ी है तो उससे ही हो जाएगा, करंट अफेयर नहीं किया तो नहीं होगा। ट्रेंड तो पूछा था, एक तो पूरा ओवरऑल पूछ दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस कैसे इंपैक्ट पड़ता है, और एक सीधा सीधी पूछ दिया था कि इंडिया का क्या यहाँ पे रोल है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंप्लीट करना है, तो ये तो जनरल था, और कुछ कुछ एकदम बहुत स्पेसिफिक पूछ दिया था, जैसे कि कोस्टल इरोजन पे पूछ दिया कि कोस्टल इरोजन क्यों होता है और कैसे उसको कॉम्बैट करें, तो मैक्सिमम लड़के डिजास्टर पढ़ते हैं तो फ्लड ड्रॉट्स पढ़ते हैं, कोस्टल इरोजन नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि कुछ कुछ एकदम छोटे साइड टॉपिक्स आया था उनको डिटेल में पूछ दिया, वही 15 मार्कर क्वेश्चन था, तो थोड़ा डिटेल और टेक्निकल पूछा इस बार। करंट अफेयर का इस बार वेटेज क्या? अच्छा खासा रहा, मेरे हिसाब से GS3 में तो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा रहता है, बाकी GS1-2 में तो फिर भी स्टैटिक रहता है, बट GS3 में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रहता है। देखो, इकोनॉमी तो सब लोग पूरा पढ़ते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों का, पर एनवायरनमेंट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करें, एनवायरनमेंट को थोड़ा हॉलिस्टिकली पढ़ें मेंस के स्पेसिफिक से भी, और साइंस तो लोग एकदम मेन सोचते ही नहीं है, साइंस का मतलब भाई MCQ होता है, नहीं, साइंस भी आजकल बहुत डिटेल में पूछ रहे हैं, और सिक्योरिटी तो लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि 2-3 क्वेश्चन सिक्योरिटी से पूछते हैं वो भी 15 मार्क है, यानी कि 45 क्वेश्चन मार्क्स के आते हैं सिक्योरिटी से, तो सिक्योरिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए।